हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए मैंने 80 सेंटीमीटर ये ब्लाउज का कपड़ा लिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें मेजरमेंट किस हिसाब से लेना है। मेन मेजरमेंट हमें शोल्डर का चाहिए होता है, तो शोल्डर का आप अपने ब्लाउज से नाप लें। मेरे मेजरमेंट में ये 11 इंच आ रहा है। शोल्डर्स के बाद हमें आर्म होल का मेजरमेंट चाहिए होता है, तो आर्म होल्स हमारे उतने ही होते हैं जितने हमारे शोल्डर्स होते हैं, तो आर्म होल और शोल्डर का मेजरमेंट सेम हम लेंगे। अब मैं इसकी लेंथ का मेजरमेंट ले लेती हूँ। जो ब्लाउज की रेडी नाप है वो आ रही है 13 इंच और बस्ट साइज है 32 इंच और कमर का है 27 इंच। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, ये जो किनारी है कपड़े की, एक किनारी का मुंह दूसरी किनारी की ओर को होना चाहिए। इसको हम विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे इस तरह से, यानी कि किनारी का साइड किनारी को होना चाहिए। और ये फोल्ड मैंने किस हिसाब से किया है ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें अपने बस्ट साइज का 1/4 पार्ट लेना है और उसमें 2.5 से 3 इंच करीब एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, मैंने 32 का 1/4 किया तो आया 8 इंच, और 8 में मैं 2.5 से 3 इंच करीब ऐड कर रही हूँ, तो मैं ये करीब 11 इंच का मोड़ रही हूँ कपड़े को। मैंने 11 इंच तक फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये साइड ओपन है और ये साइड फोल्डेड है, तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा ओपन होता है तो यहाँ पे हमारा प्लेकेट आएगा। प्लेकेट के जोड़ने के लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 1/2 इंच का मार्जिन मैं टॉप में ले रही हूँ। अब मैं ब्लाउज की लेंथ मार्क करती हूँ। ब्लाउज की लेंथ हमारी रेडी नाप थी 13 इंच, तो उसमें जो फ्रंट पार्ट होता है वो 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैं 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच ज़्यादा ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारी डार्ट्स आती हैं, तो डार्ट से कपड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए 1 इंच हम सेफ साइड बढ़ा के लेते हैं। अब ये मेरा मेजरमेंट है, ये लेंथ है, और नीचे से 2 इंच करीब मैं इसको फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ। यहाँ से तुरपाई होगी इसको मोड़ने के लिए, और इन पॉइंट्स को भी हम 2 इंच को इसको जोड़ लेंगे। अब मैं शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ, शोल्डर यानी कि तीरा। शोल्डर्स हमारे मेजरमेंट में थे 11 इंच, तो 11 का आधा मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और इसमें 0.25 इंच करीब मैं मार्जिन ले रही हूँ। सिर्फ 0.25 लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। अब मैं आर्म होल्स के लिए निशान लगाऊंगी। आर्म होल्स हमारे उतने ही होते हैं जितने हमारे शोल्डर्स होते हैं, तो ये भी 5.5 इंच आएगा। 5.5 में मैं इसमें 1/2 इंच और ऐड कर रही हूँ। 1/2 इंच इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी डार्ट्स आएगी, तो डार्ट आने की वजह से यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो आर्म होल छोटे ना हो जाए इसलिए 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इसको इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। अब मैं बस्ट के लिए निशान लगाऊंगी, तो बस्ट के लिए निशान हम यहाँ जो ये मेरे लाइन है इसके अंदर से लगाएंगे, बिल्कुल लाइन से टच करते हुए। यहाँ से बस्ट मेरे मेजरमेंट में है 32 इंच, 32 का 1/4 मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। बस्ट के निशान के बाद कमर के लिए निशान लगाना है। कमर मेरे मेजरमेंट में है 27 इंच और 27 का 1/4 हुआ 6.75 लगभग, तो यहाँ पर 6.75 पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारी एक डार्ट और आएगी, तो 1 इंच की डार्ट आती है हमारे यहाँ पे कमर में, तो उतना कपड़ा छोटा ना हो जाए इसके लिए हमें यहाँ पे साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो डार्ट डालने के बाद कपड़ा छोटा ना हो इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा दे रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब आर्म होल के लिए निशान लगाऊंगे। आर्म होल के लिए यहाँ पॉइंट से 1/2 इंच अंदर को लेना है और इस पॉइंट को ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे 1 इंच करीब हमें बाहर को आना है और हल्का सा घुमाव देते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। अब मैं गले के लिए निशान लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ। अब ये जो हमारा शोल्डर है इसका जो मिड पॉइंट है बिल्कुल सेंटर से हम नीचे पे निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट के लिए। एपेक्स पॉइंट यानी कि हमारे जो कंधे हैं, कंधे से नीचे हमारा जो बस्ट है उसका टॉप पॉइंट, उसको हम एपेक्स पॉइंट बोलते हैं। ये लगभग सबका 9.5 से 10 इंच तक में आता है। तो ये जो पॉइंट आया है इसके बाहर पे हम 1-1 इंच की दूरी पे हम इसमें डार्ट्स डालेंगे। ये लगभग आप देख सकते हैं ये साइड से 3 इंच तक में हमारा आया हुआ है, और नीचे से भी मैं 3 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और ये जो पॉइंट है हमारा एपेक्स पॉइंट इससे 1 इंच दूरी पे यहाँ पे निशान लगाना है और इसको नीचे ज्वाइन कर देना है स्ट्रेट लाइन से। इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन है इसके कॉर्नर में हम एक 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे
और इसको इस तरह से टेढ़ी लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी एक डार्ट बन गई है, ये इस तरह से यहाँ पे हम इसको सिल देंगे। डार्ट जब सिल जाएगी, इसीलिए हमने साइड में 1 इंच करीब हमने कपड़ा बढ़ाया था ताकि छोटा ना हो। अब यहाँ पर मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और हर जगह से यहाँ पे जो हमारी 3 डार्ट पड़ेंगी 1.25 इंच की दूरी पे पड़ेंगी, और एक डार्ट हमारी यहाँ पर कॉर्नर में आती है। तो इस तरह से अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो भी लाइन है इसका लगभग 1/3 पार्ट में हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। इस लाइन को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, और ये जो सामने वाला है इसको हमें यहाँ पे स्ट्रेट इस तरह से ज्वाइन करना है। ये हमारी 4 डार्ट हो गई हैं। अब इसमें हल्का सा आप निशान लगा लें, इस तरह से ट्रायंगल जैसा बना लें। ये हम इसको जिस लाइन पे हम सिलेंगे इस तरह से हमें इसका ट्रायंगल बना लेना है। अब ये जो हमारी आर्म होल के वहाँ पे डार्ट आएगी, ये जब सिल जाएगी इस तरह से, तो हमारा जो आर्म होल है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। अब गले के लिए निशान लगानी है। गले की डीपनेस मैं 6 इंच ले रही हूँ, और इसमें हमें गले का शेप दे देना है। और ये गले का शेप बन चुका है। अब मैं यहाँ पे साइड में 2 इंच का करीब मार्जिन ले रही हूँ। इसको भी अब हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है मार्जिन, क्योंकि ये जो हमारी डार्ट्स हैं, जब ये डार्ट्स पड़ेंगी तो हमारा जो मेन कपड़ा है वो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो हमारा सेफ साइड, मतलब हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इसको भी इसे ज्वाइन करके यहाँ पर शोल्डर में मैं 1/2 इंच नीचे पे शोल्डर का स्लोप बना रही हूँ, और अब हमें इसको कट कर देना है। इसका नेक हमें 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे का कपड़ा हमारा बचा है, तो हम यहाँ पर जो हमारी डार्ट है, जो हमने ट्रायंगल लाइन खींची थी, उसको नीचे को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। इसको हमें टेढ़ा नहीं बना देना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको टेढ़ा नहीं करना है, सिंपल स्ट्रेट हमें इस तरह से सिलना है। सारी डार्ट हमें इसी तरह से सिल देनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के बाद जो कपड़ा हमारा बच गया था उसको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड किया हुआ है, और हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इसमें रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1/2 इंच बढ़ाया हुआ था एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रंट ओपन है, तो इसको बैक में नहीं बढ़ाना है क्योंकि बैक क्लोज होता है। तो ये देखिए मैंने 1/2 इंच बाहर पे रख रखा है कपड़ा, और इसको अब मैं ट्रेस करूंगी ये पूरे को। फ्रंट का आर्म होल भी हमें इस तरह से नहीं बनाना है, थोड़ा सा छोटा बनाना है, क्योंकि 1/2 इंच मैंने बढ़ाया हुआ था, फ्रंट का आर्म होल 1/2 इंच छोटा हमें बनाना है इस तरह से, और बाकी चीजें हम इसी तरह से ट्रेस कर देंगे। ये मैंने ट्रेस कर दिया। मैं इसकी लेंथ मार्क करती हूँ। लेंथ हमारी इसमें 13 इंच ही आएगी, जो हमारी रेडी नाप थी, जिसे हमने फ्रंट में 1 इंच ज्यादा लिया था, तो बैक में हम 1 इंच ज्यादा नहीं लेंगे। तो मैं खाली 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, और 2 इंच का दबाने के लिए मार्जिन जो हमने लिया था वो लेंगे। अब यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाना है, और इसके साइड में भी 1/2 इंच पे निशान लगाना है, और ऊपर पे 4 इंच लंबी मैं डार्ट डाल रही हूँ इसमें ये इस तरह से, और इसको यहाँ पे हमें ज्वाइन कर देना है। अब मैं बैक के नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। बैक का नेक मैं 8 इंच डीप ले रही हूँ, और इसको भी हमें राउंड शेप दे देना है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। कटिंग इसमें मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि मार्जिन हमने फ्रंट पार्ट में ऑलरेडी ले लिया था, तो इसको हमें डायरेक्ट इसी तरह से कट कर देना है। अब ये जो डार्ट है इसके नीचे भी हमें जैसे फ्रंट में हमने स्ट्रेट किया था, इसको भी इसी तरह से स्ट्रेट करना है, और ये इसी लाइन में हमें सिल देना है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूंगी। स्लीव के लिए मैंने कपड़े को पहले 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से मैं लगभग 5.75 इंच पे हमारे जो आर्म होल आया था उसका निशान लगा रही हूँ, और इसमें मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ताकि हमारा कपड़ा जो है छोटा ना हो जाए स्लीव। और फिर यहाँ से नीचे को 3 इंच पे निशान लगाना है, और इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब इसको यहाँ टॉप में, फोल्डेड वाली साइड के टॉप में भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और इसको राउंड देते हुए हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है। और ये बैक का हो गया। फ्रंट के आर्म होल के लिए हल्का सा हमें यहाँ से इस तरह से कर देते हुए नीचे से ज्वाइन कर देना है। ये एस की तरह हमें शेप बनाना है।
ये फ्रंट का आर्म होल कर्व है और यहाँ साइड में हमें इसे स्ट्रेट कर देना है। अब स्लीव की लेंथ मैं ले रही हूँ 4 इंच और 1 इंच दबाने के लिए मार्जिन। हम आर्म की गोलाई मार्क करनी है, ये मेरे मेजरमेंट में 11 इंच है तो 11 का आधा मैं 5.5 पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। इसको यहाँ पे मिला दे रही हूँ मैं और यहाँ पे मैं 1.5 इंच का करीब मार्जिन ले रही हूँ और मार्जिन को भी स्ट्रेट करके यहाँ कॉर्नर में मिला देना है। अब इसकी कटिंग में सबसे पहले बैक का आर्म होल कट करना है और फिर आर्म होल कट करने के बाद इसको ओपन करके हम इसके फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। अब मैं इसकी सिलाई करती हूँ। सिलाई के लिए सबसे पहले हमें डार्ट डमानी है। ये जो हमारी सेंटर लाइन है इसको इस तरह से हमने फोल्ड किया और यहाँ पर कपड़ा इस तरह से रख दिया। अब ये जो लाइन आई है जो हमने मार्क किया इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर से हमने फोल्ड करना है इसको और ये मार्क्ड लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। आप इस तरह से देख सकते हैं ये, और यहाँ पर आप इसको बैक स्टिच करके इसको लॉक कर लें। ये देखिए यहाँ पे ओपन करने के बाद ये हमारा इस तरह से आएगा ये। अब इसी तरह से हमें ये जो हमने दूसरी डार्ट बनाई है इसको भी हमें सिल देना है। इस तरह से पकड़ के फोल्ड करना है कपड़े को और इसमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे हमें इसको लॉक जरूर कर लेना है तभी इसका अच्छा लुक आएगा। और ये वाली डार्ट भी इस तरह से फोल्ड करनी है और इसमें भी हमें सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं मैंने सारी डार्ट सिल दी हैं और ये फ्रंट साइड से इस तरह से दिख रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा आया है लेकिन इसको हम ट्रिम कर देंगे, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 2 इंच का मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा ताकि बाद में ट्रिम करना पड़े तो मेरा कपड़ा छोटा ना हो। और इसमें आप अच्छे से प्रेस करके इसको दबा लें, फिनिशिंग आ जाएगी। सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी बना लेना है। ये मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। ये देखिए ये जो सेंटर वाली डार्ट है ये बिल्कुल हमारी बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसमें प्लेकेट बनाऊंगी। प्लेकेट बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, ये 2.5 इंच चौड़ा है और लंबाई इसकी ब्लाउज के बराबर ही है। अब ये कपड़े को दोनों के राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पर स्ट्रेट हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधा हमें यहाँ पे सिल देना है। हमने यहाँ पे 1/2 इंच का कपड़ा लिया था स्टार्टिंग में ही कटिंग के टाइम पे, तो 1/2 इंच पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ये राइट साइड को फोल्ड करके ये इस तरह से दिखेगा। और इसके जो नीचे ये सिलाई वाला कपड़ा है ये बाहर को इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए अब हमें इसको उल्टी तरफ फोल्ड करना है और ये इसको हम इस तरह से बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे। जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ा था इसको सेंटर से फोल्ड करना है और एक फोल्ड इस तरह से कर देना है पूरा। ये देखिए ये हमने कपड़ा इसमें नहीं बढ़ाया है, ये हमारा राइट साइड का वाला पल्ला है तो राइट साइड में हमें कपड़ा नहीं बढ़ाना होता है। राइट साइड में हम कपड़े को पूरी तरह से फोल्ड कर देते हैं ये देखिए, और यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में कपड़ा बढ़ाएंगे और इसमें हमें इस तरह से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगानी है। ये मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और ये पीछे साइड में हम इसमें तुरपाई करेंगे। ये मेरा लेफ्ट साइड का पीस है और लेफ्ट साइड के लिए भी मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी कट करी हुई है। इसको भी दोनों की राइट साइड के फेस करते हुए इस तरह से रखना है और इसमें भी हम बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और इसको राइट साइड को फोल्ड किया हुआ है। अब ये जो साइड है हमारी ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा 1 इंच करीब बाहर को आता है ताकि उसमें हम जो हमारे हुक लगेंगे उसकी आई बना पाए। तो इसके हमें कपड़े को ऐसा 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड करना है और ये जो सिलाई दिख रही है आपको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1 इंच कपड़ा बाहर को बढ़ गया है। ये देखिए इस तरह से हमें कपड़ा यहाँ पे बढ़ाना है और ये लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, यहाँ पे आईज बनेंगी हुक की और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, राइट साइड में कपड़ा नहीं बढ़ा है और ये लेफ्ट साइड में 1 इंच लगभग कपड़ा हमारा बढ़ा है। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब ये जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं सेंटर में जो हमारी डार्ट है दोनों डार्ट बिल्कुल सेंटर में आई हुई हैं, तो ये बिल्कुल सही बना है। अब इसी तरह से मैंने बैक में भी डार्ट्स डाल दी हैं दोनों।
अब हमें बैक का पार्ट बॉटम पार्ट फोल्ड करना है, तो जो भी हमने मार्क किया था इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके, या तो आप इसमें हेमिंग कर दें, तुरपाई कर दें, या फिर आप इसमें सिलाई लगा दें। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है बॉटम पार्ट में। और अब हमें फ्रंट का पार्ट इस तरह से रखने हैं, दोनों के शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं। अब हम इन दोनों के शोल्डर्स हम अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों के शोल्डर्स ज्वाइन कर दिए हैं। और अब मैं इसका जो ये हमारी जो प्लेकेट है, ये फ्रंट के दोनों पार्टों को मैं एक साथ ज्वाइन कर दे रही हूँ। या तो आप इसमें 5 नंबर की सिलाई लगा दें, या आप इसको पिन से अटैच कर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हिले ना हमारे बाकी फोल्डिंग के टाइम पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ साइड में थोड़ा सा कपड़ा हमारा फ्रंट का छोटा हो रहा है, बैक का बड़ा हो रहा है, तो ये इसीलिए मैंने इसमें 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, ताकि डार्ट डालने के बाद हमारा कपड़ा अगर छोटा बड़ा होगा तो वो हमारा मेजरमेंट सही रहेगा। इसलिए अब मैं इस तरह से यहाँ पे करके जो हमारा फ्रंट का बॉटम पार्ट है उसको फोल्ड करूँगी। बिल्कुल इस तरह से आप जितना भी हमने बैक फोल्ड किया है उतना ही फ्रंट को भी फोल्ड करना है, ताकि साइड से हमारा छोटा बड़ा ना हो जाए। तो इस तरह से आप चेक करके इसको सिल लें। अब सिलने के बाद ये साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैं इसको कट कर रही हूँ। अब मैं इसकी स्लीव फोल्ड करती हूँ। स्लीव फोल्ड करने के लिए ये यहाँ से नीचे से हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे हमारी स्लीव को, और ये मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं ब्लाउज में स्लीव अटैच करूंगी। इसके लिए मैंने स्लीव ली है, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखना है। और इस बात का ध्यान दें कि स्लीव का जो फ्रंट आर्मोल कर्व है वो ब्लाउज के फ्रंट आर्मोल कर्व में ही आना चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। और इस तरह से हमें सेंटर से सिलना स्टार्ट करना है। और ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें स्लीव में सिलाई लगानी है। ये आप देख सकते हैं मैंने स्लीव में सिलाई लगा दी है, और ये देखिए ये हमारी स्लीव बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल इस स्लीव को हमें अब यहाँ साइड से ज्वाइन कर देना है। अच्छे फिनिशिंग के लिए आप एक बार प्रेस कर लें। अब मैं इसका गला बनाऊंगी। गला बनाने के लिए मैंने एक बायस में पट्टी ली है, और ये पट्टी को हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ एक कॉर्नर से गले में लगाना स्टार्ट करना है, और इसको लगाते हुए पूरे में लगा देना है और इसको अंदर को फोल्ड कर देना है। और ये ब्लाउज देखिए ये मैंने इसके गले में पट्टी लगा दी है, और अब मैं इसकी साइड ज्वाइन करूंगी यहाँ, और ब्लाउज हमारा बनके तैयार हो गया है।